हेलो सुवी। हाँ सर। अबे मेन कॉम्प्लेक्स आ रहा है, ठीक ना? मेन कॉम्प्लेक्स का बंदा हम बात कर रहे हैं, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं और क्या फॉर्मेट होता है हमारा। तो मैंने आपको बोला था कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, वो दो नंबर से बनता है, रियल नंबर और इमेजनरी नंबर। दो नंबर को जब हम लोग क्या करते हैं, एक साथ कंबाइन करते हैं, मतलब ज्वाइन करते हैं, मतलब ऐड करते हैं, तो हमको क्या मिलता है? कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? जेड से, ठीक है ना। जनरली इसका जो सिंबल होता है वो कैपिटल सी होता है, ठीक है ना। कैपिटल सी किसको डोनोट करता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे नेचुरल नंबर के लिए कैपिटल एन, ठीक है ना, ऐसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कैपिटल सी बोलते हैं। बट यहाँ पर जो हम लोग चैप्टर में पढ़ते हैं, तो वहां पर जेड जेड डिपेंड करता है। मेन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेट होता है x plus i y। x क्या होता है? x इज द रियल पार्ट, रियल पार्ट, एंड दिस इज द इमेजनरी पार्ट, इमेजनरी पार्ट। बट अगर मैं x और y की बात करूं, अगर x एंड y बोथ आर रियल नंबर, दोनों रियल नंबर, तो आपके दिमाग में होगा सर अगर x और y दोनों रियल है फिर इमेजनरी कैसा होगा? बेटा रियल नंबर है, जैसे 2 में जब y का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास अनरियल या बनेगा, ठीक है ना, अनरियल बनेगा या इमेजनरी बनेगा। तो मतलब समझने वाली बात क्या है कि जब आयोटा आएगा तभी हमारे पास रियल और अनरियल बनेगा, आयोटा नहीं है तो होल थिंग्स आर रियल, ठीक है ना। तो यानी हमको ये समझना है कि जो जिसके साथ आयोटा है वही हमारा इमेजनरी पार्ट है, ठीक है ना। आयोटा हटा देंगे तो पूरा रियल हो जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा प्योरली रियल। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स हमको समझने हैं, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। x इज, x रियल नंबर है, x क्या है? रियल नंबर, ठीक। y भी रियल नंबर है, इसको हम रियल पार्ट बोलते हैं, रियल पार्ट, रियल पार्ट किसका? कॉम्प्लेक्स का, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? आर ई जेड एक्स, कैपिटल मैंने लिखा है इसलिए कैपिटल लिख दिया, ठीक है ना। रियल पार्ट ऑफ जेड, आर ई जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है? एक्स होता है। जो वाई है ना, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। आई अगर एक्स के साथ बन जाएगा तो ये इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा, यानी आई का ही पूरा काम है किसके साथ? हमारा रियल और इमेजिनरी पार्ट को बनाने का। यहां पर हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इसको बोलते हैं आई एम जेड, ठीक है ना। आई एम का मतलब इमेजिनरी, ठीक है ना, और जेड का मतलब हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, क्या है? वाई। ये सिंबल आपको बता दीजिए, कभी मैं आपसे एक्स बोल रहा हूँ तो आपको समझ लेना है कि रियल पार्ट ऑफ जेड है, वाई बोल रहा हूँ कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो जेड का नोटेशन अब समझो, यहाँ पर अब क्या है भाई? जेड क्या है? जेड एक तीसरा नंबर है जो दो नंबर को क्या कर रहा है? एक साथ लिख रहा है। दो नंबर कौन से हैं? दो नंबर हमारे पास, पहला रियल नंबर है, दूसरा इमेजिनरी नंबर है, दोनों को मिला के तीसरा नंबर मिला कॉम्प्लेक्स। थोड़ा सा हम कोऑर्डिनेट पे चलना चाहेंगे। आपको पता है कि अगर हम लोग एक्स और वाई एक्सिस की बात करते हैं, अगर मैं एक्स और वाई एक्सिस की बात करूं, तो ये एक्स एक्सिस हम लोग लेते हैं कैसा? हॉरिजॉन्टल लेते हैं और वाई एक्सिस वर्टिकल लेते हैं, ठीक है ना। तो यानी जो जेड है ना, जेड के लिए वो लोग सर अब जेड अब तीसरा डायरेक्शन ले रहे हो ना, थ्री डी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो ही नंबर है ना, रियल और इमेजिनरी। तो हमारे पास ये 2D है। अब समझना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा 2-डायमेंशनल नंबर है, यानी अब बोलोगे सर डायमेंशन कहाँ से आ गई? डायमेंशन का मतलब हो गया कि अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो डायरेक्शन की बात होगी, बिल्कुल डायरेक्शन की बात होगी। यहाँ पर अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स ऐसा नहीं कि जैसा हमारे पास हो गया रियल नंबर, रियल नंबर के तरीके कॉम्प्लेक्स नहीं होता, कॉम्प्लेक्स की एक डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं? एंगल से दिखाते हैं, क्लियर ना। तो यानी अब आपके दिमाग में अगर एंगल दिखाएंगे तो एंगल हमने केवल निकाला है कोऑर्डिनेट्स का, तो एब्सोल्युटली अगर हमने एंगल निकाला है कोऑर्डिनेट का तो कॉम्प्लेक्स नंबर आल्सो कैन बी रिटन एज द कोऑर्डिनेट फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कोऑर्डिनेट फॉर्म पे लिख सकते हैं, हम आपको आगे पढ़ाएंगे। हम इसका नाम होता है आर्गन प्लेन, आर्गन प्लेन, ठीक है ना, हम आपको आगे धीरे धीरे बताते जाएंगे। तो ये दिमाग में बिल्कुल मेंशन करके चलना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ नंबर की तरीके ट्रीट नहीं करना, एज अ कोऑर्डिनेट ट्रीट करना है हमको।
जब आप कोऑर्डिनेट और नंबर दोनों का मिक्सअप बिल्कुल आप दिमाग बिल्कुल बिल्कुल बना के चलेंगे कि नहीं ये ऐसा भी है, तभी आप समझ पाएंगे नहीं वाकई में कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट है, ठीक है ना। तो फिर से समझिए जेड का मतलब हो गया, ये जेड डिपेंड कर रहा है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो जेड है वो खुद का नंबर नहीं है, ये दो नंबर से मिलकर बन रहा है एक्स और आई वाई से, ठीक है ना। आई वाई मतलब इमेजिनरी नंबर, ये इमेजिनरी नंबर है, वाई इमेजिनरी पार्ट है, क्लियर। एक्स हमारा रियल पार्ट है इसका कॉम्प्लेक्स, ये चीज है। अब इसके बाद हमारे पास बात आती है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये सब नोट करने वाली चीजें नोट करते रहना क्योंकि कहां पर किसकी जरूरत पड़ जाए पता नहीं। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का मतलब होता है इफ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स, जेड क्या है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन जेड बार इज नोन एज कॉन्जुगेट, किसका कॉन्जुगेट, जेड का कॉन्जुगेट, इज नोन एज कॉन्जुगेट ऑफ जेड, कॉन्जुगेट ऑफ जेड, ये जेड का कॉन्जुगेट होता है। मतलब समझने वाली बात यहां पर है कि कॉन्जुगेट ऑफ टर्म क्या होगा, तो जेड बार का मतलब हो गया कि अगर हम रियल और इमेजिनरी के बीच का साइन चेंज कर दें तो वो नंबर हमको क्या मिलेगा, उस कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट मिलेगा। सपोज क्योंकि जेड हमारे पास कैसा है, एक्स प्लस आई वाई, ऑलवेज जेड इक्वल एक्स प्लस आई वाई, क्योंकि एक्स हमारा एक एक्स स्क्वायर डिपेंड कर रहा है दूसरे एक्स स्क्वायर डिपेंड कर रहा है। कुछ लोग ए प्लस आई बी फॉर्म बोलते हैं, बोथ आर करेक्ट, ठीक है ना। तो मैं एक्स और वाई को प्रेफर करता हूँ, तो यहाँ पर जेड बार क्या निकल के आ जाएगा, जेड बार का मतलब हो जाएगा कि रियल और इमेजिनरी के बीच का साइन चेंज कर दी, यानी एक्स माइनस आई वाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट। तो इस तरीके से आपको समझ लेना है कि कॉन्जुगेट क्या है। फटाफट नोट करो, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेना क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज काफी जगह हो जाता है, आप जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। हो गया बेटा, हाँ सर हो गया। सुभी नोट किया तुमने? हाँ सर हो गया। सब कुछ थ्योरम से होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर की, कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर तुमको समझना है तो उसके थ्योरम को भी साथ में समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा था हम लोग थ्योरम्स को भी पैरेलल लेके चलेंगे ताकि उनको भी समझ। तो एक हमारे पास बढ़िया सी प्रूविंग है, बोला जा रहा है आपसे, आपको प्रूफ करना है रियल पार्ट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू इक्वल टू आर ई, बोला गया आर ई जेड वन इंटू जेड टू, दैट मीन्स रियल पार्ट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू, रियल पार्ट ऑफ जेड वन, रियल पार्ट ऑफ जेड टू माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन
इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस हमसे पूछते हैं। सोचने वाली बात यह है कि ये जिद वन इंटू जिद टू कहां से आया, तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसको मूवी होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम समझते हैं जिद वन जिद टू क्या है, फिर इसके बाद इस थ्योरम को लेकर आगे भी नोट कर लें, ठीक है। तो जिद वन क्या है, सपोज अगर मैंने बोल दिया आपसे जेड इक्वल हमारा एक्स प्लस आई वाई है, ठीक है ना, तो जेड वन और जेड टू वो था द इन कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड वन और जेड टू, मतलब जेड वन हमको रिप्रेजेंट कर रहा है पहली कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड टू रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर हम जेड वन को लिखेंगे, अगर सफिक्स में वन चल रहा है तो दोनों नंबर पे हम सफिक्स लगा देंगे, और जेड टू चल रहा है तो मैं इसको बोल दूंगा एक्स टू प्लस आई वाई, ठीक है। हमारे पास दोनों क्या मिल जाएगा नंबर, तो ये इंटू कर रहा है, दो कॉम्प्लेक्स का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब हो गया ये एलजेब्रा है, इसके एलजेब्रा है, एलजेब्रा का मतलब हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो एलजेब्रा है इसकी कॉम्प्लेक्स की। हम यहाँ पर पहले स्टडी कर लेते हैं एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पर हम सबसे पढ़ेंगे एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के एलजेब्रा पढ़ेंगे, अगर हमको कॉम्प्लेक्स के एलजेब्रा पढ़ना है तो हमको दिमाग में लेके आना पड़ेगा चार चीजें, ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स को कैसे ऐड करते हैं, दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स को कैसे ऐड करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग अभी जो मैंने जेड वन जेड टू की बात की थी, तो हम बात कर रहे हैं दो कॉम्प्लेक्स को ऐड करना, यानी जेड वन और जेड टू को ऐड करना। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि व्हाट इज जेड वन, जेड वन मीन्स एक्स वन प्लस आई वाई वन, ठीक है ना, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्लस एक्स टू प्लस आई वाई टू, दिस इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी हमने पढ़ा है कि हमेशा जब मैथमेटिक्स में जो बेसिक टूल होता है कि अगर हम आपसे बोल दें टू और टू को ऐड करो तो आप तुरंत बोल दोगे सर फोर, कैसे पता चले, यानी ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर इन दोनों को अप्लाई तब कर रहा है जब दोनों हमारे पास कैसे टर्म मिल रहे हैं, होमोजीनियस टर्म मिल रहे हैं। मैथमेटिक्स का रूल होता है कि हमको रिजल्ट तब मिलता है जब एक जैसे टर्म मिलते हैं, ये इमेजनरी है, ये इमेजनरी है, दो इमेजनरी को ऐड करके रिजल्ट बना सकते हैं, दो रियल को ऐड करके रिजल्ट बना सकते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी बनाकर हम उसको उसका रिजल्ट नहीं बता सकते। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम ऐड करेंगे तो रियल और रियल को एक साथ ऐड करेंगे, इमेजिनरी इमेजिनरी को एक साथ ऐड करेंगे, यानी दिस कैन बी रिटन एज एक्स वन प्लस एक्स टू, ठीक, प्लस आई वाई वन प्लस आई वाई टू, एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज एक्स वन प्लस एक्स टू, आई कॉमन निकाल दूंगा, वाई वन प्लस वाई टू, तो ये हमारा बन गया जेड वन प्लस जेड टू, मतलब दो कॉम्प्लेक्स का सम भी एक कॉम्प्लेक्स होता है। अगर मैं थोड़ी देर इस x1 plus x2 को कैपिटल x और y1 plus y2 को कैपिटल y बोल दूं और z1 plus z2 को कैपिटल z बोल दूं तो z इक्वल क्या मिल जाएगा, x plus i y, यानी स्टिल दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सम, यानी अगर हम दो कॉम्प्लेक्स को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास रिजल्ट भी कैसा मिलेगा, कॉम्प्लेक्स। तो इतना आपके दिमाग में आ गया होगा, यानी दो कॉम्प्लेक्स को अगर ऐड करते हैं तो रियल रियल ऐड होता है, इमेजिनरी इमेजिनरी ऐड होता है, ठीक है ना। तो ये आप प्रैक्टिस कर लेना करते हैं इसको, ठीक है ना, हम लिखने के लिए टाइम नहीं दे रहे हैं, तो इसमें काफी चीजें हैं, बस सिंपल सिंपल चीजें। अगर हमसे बोला जाए कि आप सब्सट्रैक्ट करो, जहाँ लिखने वाली चीज होगी मैं बता दूंगा, सब्सट्रैक्ट करो जेड वन इन माइनस जेड टू करो, तो बीच में हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और फिर से जैसे हम ऐड की बात कर रहे हैं कि अगर एडिशन के लिए हमको सेम होमोजीनियस टर्म चाहिए, यानी रियल रियल ऑपरेट करेगा, इमेजिनरी इमेजिनरी ऑपरेट करेगा, तो ऐसे सब्सट्रैक्शन के लिए तो हम बोल देंगे एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस आई कॉमन निकाल लेंगे वाई वन माइनस वाई, तो ये हमको मिल गया सब्सट्रैक्शन। अब हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, ये एडिशन का सब्सट्रैक्शन था, ठीक है ना। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की। अगर हम दो कॉम्प्लेक्स को मल्टीप्लाई, स्टिल ये क्या हमारे पास अभी भी कॉम्प्लेक्स ही है, तो यहाँ पर एक चीज हमको मिल गई, दो कॉम्प्लेक्स को ऐड करने पर एक कॉम्प्लेक्स मिलता है, ठीक, दो कॉम्प्लेक्स को सब्सट्रैक्ट करने पर एक कॉम्प्लेक्स मिलता है, जरा मल्टीप्लिकेशन हम लोग चेक किए हैं। तो जेड वन इंटू जेड टू की बात करते हैं, जेड वन हमारे पास क्या था, एक्स वन प्लस आई वाई वन, और जेड टू हमारे पास क्या था, एक्स टू प्लस आई वाई टू, ठीक। अब मल्टीप्लाई भैया हमने बोल दिया आपको ए प्लस बी और सी प्लस डी अगर मल्टीप्लाई करना है तो हमको क्या बचपन में सिखाया गया कि एक नंबर को उठाओ दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इस साइन के साथ में इसको उठाओ फिर दोनों के साथ मल्टीप्लाई, सेम इसको हम लोग ऐसे ऑपरेट करेंगे, क्या करेंगे, पहले नंबर को उठा रहे दोनों के साथ मल्टीप्लाई, क्या मिल जाएगा, एक्स वन एक्स टू मिलेगा प्लस आई टाइम्स एक्स टू वाई वन मिलेगा प्लस ये अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा क्या मिल जाएगा, आई टाइम्स एक्स वन वाई टू
और प्लस ये मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा आई स्क्वायर वाई वन वाई टू। अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आपने पढ़ रखा है माइनस वन होता है, तो यहाँ से आई गए, यहाँ से आई गायब, तो ये रियल बन गया। हम रियल, ये है रियल, ये इनको एक साथ दिस मीन्स एक्स वन एक्स टू ठीक माइनस वाई वन वाई टू प्लस इमेजनरी एक साथ लिख लेंगे, इमेजनरी एक साथ लिखेंगे, ये आई का टर्म लिया, आई कॉमन निकाल दिया, एक्स टू वाई वन प्लस वाई टू एक्स वन, तो ये हमारे पास मिल गया प्रोडक्ट जेड वन इंटू जेड टू। इसी की कहानी हमको यहाँ पर लिखनी है, जो थ्योरम है हम आपको आगे पढ़ाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं आपसे डिवीजन की, ठीक है ना, ये चीज समझ में आई नहीं है दोनों लोगों को? हाँ सर आ गई। अब हम बात करें डिवीजन की, अगर हमारे पास अगर दो कॉम्प्लेक्स को हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, तो हम आपसे बात कर रहे हैं जेड वन इंटू जेड टू की, सॉरी जेड वन अपॉन जेड टू की, दो कॉम्प्लेक्स है हमको क्या चेंज कर चाहिए। अब मैंने आपको बताया कि दो कॉम्प्लेक्स का सम, दो कॉम्प्लेक्स का डिफरेंस, दो कॉम्प्लेक्स का मल्टीप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स है, तो दो कॉम्प्लेक्स का हमारा डिवीजन भी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। यहाँ पर हमको एक चीज बतानी पड़ेगी कि जेड टू की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, अगर ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी तो हमारा डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स ही नहीं बचेगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर हम रखते हैं जेड वन की वैल्यू, जेड वन हमारे पास क्या है एक्स वन प्लस आई वन, जो भी मैं बताऊंगा तो बिल्कुल दिमाग पर बैठा लेना क्या करना होगा हमको, एक्स टू प्लस आई वन टू, ठीक है ना, हमको इसको भी बनाना है एक्स प्लस आई वन टू पे, तो रियल और रियल एक साथ, इमेजनरी इमेजनरी एक साथ, ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल तब होता है जब डिनोमिनेटर को हम लोग रियल बना लेते हैं, और डिनोमिनेटर को रियल तब बना सकते हैं जब डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना। अच्छा, इसका कॉन्जुगेट ही एक ऐसा नंबर है जो इसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हटा सकता है, याद रखना किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर उसी कॉम्प्लेक्स के कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो वो रियल नंबर बन जाता है। तो अगर इसको रियल बनाना है तो इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, यानी हमको लेना पड़ेगा x2 माइनस i by 2। ऊपर क्या मिल रहा है हमसे मतलब नहीं, डिनोमिनेटर हमारा रियल होना चाहिए, x2 माइनस i by 2। अगर मल्टीप्लाई करो क्या मिल जाएगा, x1 x2 प्लस i टाइम्स, ठीक है ना, तो क्या मिल जाएगा y1 x2 माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा x1 y2 i, फिर यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस i और i, i स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, और क्या मिल जाएगा हमारे पास y1 y2 y1 y2, और नीचे हमको क्या मिल गया, अब देखो a प्लस b और a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बना देंगे, हम इसको बोल देंगे x2 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर y2 स्क्वायर। अच्छा, i स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन है तो ये हमारा माइनस वन, इसके साथ मल्टीप्लाई करके प्लस वन हो जाएगा, तो ये हमारे पास रियल है, x1 x2 रियल है, आई स्क्वायर की वैल्यू यहां पर रख देंगे तो प्लस हो जाएगा, y1 y2 ये भी रियल है, बचा क्या आई वाले टर्म, तो यहां से हमने प्लस आई कॉमन निकाल दिया, इसको मैंने बोल दिया x2 y1 माइनस x1 y2, और नीचे हमको क्या मिल गया x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ये हमको क्या मिल गया z1 upon z2। अभी बोलोगे कि अब हमको क्या करना है, अभी तो हमको मेन काम करना है कि हमको इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म पे करना है, ये रियल है और ये इमेज नहीं, अगर रियल को रियल के साथ डिवाइड करवाया जाए तो रियल नहीं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ठीक, प्लस इसको हम बोल देंगे x2 y1 माइनस x1 y2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, और ये टर्म किसका था, इमेजिनरी था, तो i इसके साथ मल्टीप्लाई, अब देखो ध्यान से ये क्या मिल गया हमारा x plus i y, क्योंकि ये इसको हम कैपिटल x बोल सकते हैं, कैपिटल y बोल सकते हैं, किस तरीके से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन करते हैं। तो कभी भी दिमाग में याद रखना कि अगर हमको दो कॉम्प्लेक्स का कभी भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाया जा रहा है तो हम एक ही शर्त पे उसको कर सकते हैं जब उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करवाएं, अदरवाइज जब उसको सॉल्व नहीं कर पाए, ये चीज समझ में आई?
अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, बोला जाए रियल पार्ट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू। तो यहाँ पर हम पहले बोलेंगे लेट जेड वन इक्वल एक्स प्लस आई वाई, सॉरी एक्स वन प्लस आई वाई एंड जेड टू इक्वल एक्स टू प्लस आई वाई टू। तो x1 क्या है? x1 है रियल पार्ट किसका? z1 का। y1 क्या है? रियल पार्ट किसका, सॉरी इमेजिनरी पार्ट z1 का। x2 है रियल पार्ट z2 का, y2 है इमेजिनरी पार्ट z2 का। इन्होंने z1 z2 पूछा है, तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग पहले तो ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा, फिर रियल और इमेजिनरी देखा जाएगा। तो हम z1 into z2 निकालते हैं, जो कि मैंने अभी आपको सॉल्व करके बताया। यहाँ पर हमको मिल गया x1 plus iy1 into x2 plus i by 2, ठीक मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये मिल जाएगा x1 x2 plus, ये मिल जाएगा y, sorry, i times y1 x2 plus, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे i times x1 y2 plus, ठीक इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या मिल जाएगा i square, समझिएगा i square, ठीक y1 y2। तो यहाँ पर देखो ये आई स्क्वायर माइनस वन बन गया, तो हमने इसको लिख दिया एक्स वन एक्स टू माइनस वाई वन वाई टू एक साथ, और आई को कॉमन निकाल दिया, हमने बोल दिया वाई वन एक्स टू प्लस एक्स वन वाई टू, ये हमारा मिल गया जेड वन इंटू जेड टू। अब इन्होंने बोला है रियल पार्ट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू, इसको अगर मैं एक्स प्लस आई वाई बोलूं तो हमारे पास इसका रियल पार्ट क्या है? पहला वाला पार्ट जहां आई नहीं होता वो रियल पार्ट होता है, ये रियल पार्ट है। क्या मिल गया x1 x2 y1 y2। अच्छा अब x1 क्या है? x1 को मैं बोलूंगा रियल पार्ट ऑफ z1, इसको हम बोलेंगे re z1। x2 क्या है? रियल पार्ट ऑफ z2, re z2, ठीक। y1 क्या है? इमेजिनरी पार्ट, तो इसको बोलेंगे आई एम जेड वन इंटू आई एम जेड, इसको नोट कर दो। Yes, sir, done. हो गया बेटा? हाँ सर।
नेक्स्ट थ्योरम देखो, प्रूफ दैट, देखिए प्रूफ दैट सम ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड इट्स कॉन्जुगेट एंड इट्स कॉन्जुगेट इज प्योरली रियल नंबर, इज प्योरली रियल नंबर. ठीक है ना, प्रूफ दैट द सम ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड इट्स कॉन्जुगेट इज प्योरली रियल नंबर. देखते क्या आएगा, यहां पर मैंने बोलते लेट जेड बी द कॉम्प्लेक्स विच इज एक्स प्लस आई बाई, जेड बार क्या हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट एक्स माइनस आई बाई, सम की बात बोली जा रही, जेड प्लस जेड बार लिखो जरा, एक्स प्लस आई बाई प्लस एक्स माइनस आई बाई, आई बाई से आई बाई कैंसिल हो गया, टू एक्स मिल गया, एक्स रियल था और ये एक्स रियल था, दो रियल एड होकर एक रियल बनाएंगे विच इज प्योरली रियल. प्योरली रियल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इमेजनरी जीरो हो गया, which is purely real number. तो ये हम सोचा जाए जेड प्लस जेड बार की वैल्यू प्योरली रियल होगी. नोट करो पता है. हो गया? Yes, sir. अब दूसरा लिखो, प्रूफ दैट डिफरेंस, जहां पर सम था वहां पर डिफरेंस लिखो, प्रूफ दैट डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड इट्स कॉन्जुगेट इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर. Done, sir. हेडिंग चलो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स,
ठीक है ना, देखो इफ जेड बी अ कॉम्प्लेक्स, इफ जेड बी अ कॉम्प्लेक्स देन वन अपॉन जेड इज नोन एज, वन अपॉन जेड इज नोन एज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। क्वेश्चन लिखो, यानी समझ रहे हो ना कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो इसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना। तो हमको वहीं पर छोड़ नहीं देना होता है, हमको अगर डिनोमिनेटर पे लेके आ रहे हैं तो हमको उसको कॉम्प्लेक्स को x प्लस आई वाई फॉर्म पे लिखना होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखो, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग। पहला बोला गया है 2 plus i upon 1 plus 2i, ठीक है ना। दूसरा बोला गया 3 plus 2i, तीसरा है 1 plus i whole square upon 2 plus i। इनका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है, तो हम एक का बता रहे हैं बाकी आपको करना है। नोटोगे बेटा? हाँ सर। ठीक है, पहला हम बता रहे हैं बाकी दोनों आपको करने हैं। देखो हम इसको जेड कंसीडर करेंगे, जेड, ठीक। हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल, वी नो दैट, क्या आप लिखेंगे, वी नो दैट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1 upon z। 1 upon z का मतलब कितना हो जाएगा, 1 plus 2i upon 2 plus i, फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा ना हमारे पास, ये चीज क्लियर? यस सर। ठीक है ना, यानी हम इसको जब 1 upon पे लेके आएंगे तो हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दीजिएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दीजिएगा। अब ये हमारा कॉम्प्लेक्स तो है नहीं, कॉम्प्लेक्स x प्लस आई वाई फॉर्म होता है, ये दो कॉम्प्लेक्स का क्या है, डिवीजन। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके का फॉर्मेट मिले तो आप हमेशा कॉन्जुगेट लेके सॉल्व करोगे, 2 minus i, मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 2 plus 4i minus i minus 2i square upon 4 minus i square, a plus b a minus b a square minus b square। इसको हम देखो क्या बोलेंगे, i square की वैल्यू -1, तो 2 और 2 हो गया 4, ठीक। 4i में से आ गया 3i, नीचे कितना हो गया 4 और +1 5, इसको बोल देंगे 4 by 5 plus 3 by 5 5, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मतलब हर एक कॉम्प्लेक्स को आपको x प्लस आई वाई फॉर्म पे ही रिप्रेजेंट करना है, आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। बाकी हम कल पढ़ाएंगे, इसके आगे इतना नोट कर लो, दोनों क्वेश्चंस कर लेना। एक मिनट का और टाइम बचा हुआ है, फटाफट नोट कर लो, कुछ हो पाएगा नहीं।
ओके बेटा हाँ सर हो गया बाकी कल इतने टाइम पे 7:10 पर होगी क्लास ठीक है ना ठीक है